Hello everyone, welcome to The Temptations, Instant Main Course Recipes की सीरीज में आज बनाएंगे जम्मू स्पेशल डोगरी दाल। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने 2 कप दाल को अच्छे से धोकर साफ पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब एक कढ़ाई को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च। जीरा तिड़क जाए तो भीगी हुई दाल को पानी समेत इसमें डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई हींग, स्वाद अनुसार नमक। स्टर करेंगे और ढक कर स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक दाल पक रही है, हम इसका छोंक तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून डालेंगे एक देसी घी। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसाले तिड़क जाएं तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार स्टर कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी कसर है, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से स्टर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। वाव, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से पक गई है, पानी भी ऑलमोस्ट सूख गया है। बस हमें इतना ही दाल का पानी सुखाना है, सारा पानी नहीं सुखाना है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक बाउल। इसमें डालेंगे अपनी जम्मू स्पेशल दाल, ऊपर से डालेंगे छोंक जो हमने बनाकर रखा था, और धनिया के साथ गार्निश करेंगे। तो लीजिए, हमारी जम्मू स्पेशल डोगरी दाल बन करके तैयार है। अब आप इसे बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपने सारी वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। अब बारी है इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की। नंबर 1, जब आप दाल को भिगोते हैं तो पानी 1 टिप ऊपर रखें, और जब आप दाल को कुक करते हैं तो पानी 1/2 टिप ऊपर रखें। नंबर 2, हींग दाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसे मिस ना करें, हींग जरूर डालें। नंबर 3, दाल कुक हो जाने के बाद इस बात का खास ध्यान रखें कि दाल का जो दाना है वो प्रॉपरली टेंडर हो गया हो। नंबर 4, दाल का पानी पूरा ना सुखाएं, दाल में थोड़ा थोड़ा पानी रहने देना चाहिए, तभी इसका एक्चुअल टेस्ट आता है। उम्मीद है आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से देख सुन लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक नई इंस्टेंट मेन कोर्स रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।